हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई नो मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ, क्योंकि जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं जब घर से हॉस्टल वापस आई थी तो उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तुरंत हॉस्टल आने के बाद, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो शूट करने में। तो यार फाइनली आज जाके मुझे टाइम मिला है इतने गैप के बाद। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। सो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि यूपी स्टेट की राउंड वन की काउंसलिंग हो चुकी है, मैं उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी एंड हमारे कॉलेज की कट ऑफ भी पता चल गई है। सो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी स्टेट की राउंड टू की कट ऑफ क्या होने वाली है। सबसे पहले तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड में उनके ड्रीम कॉलेज मिल गए जो वो चाहते थे, एंड जिनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं वो दुखी ना हो, क्योंकि अभी बाकी के राउंड्स बचे हैं। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड भी शायद इस बार होगा एंड लास्ट में मॉप अप राउंड। सो या अभी होप मत हारिए। सो होप से मुझे एक बात याद आई अपने टाइम की। क्या था ना, जब मेरा टाइम था ईयर 2020-2022, तो उस टाइम पे मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था। तब हमारा एग्जाम हुआ था जून में, हमारा एग्जाम हुआ था। वैसे शायद कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था हमारा एग्जाम। उस टाइम पे जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, मैंने एक साल का गैप करके दिया था, एक साल तैयारी करके 12th के जस्ट बाद। तो हुआ ये था कि जब मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था, उसके बाद 3 महीने बाद जब मेरा रिजल्ट आया था, फिर जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तब मैंने जो गलतियां करी थी वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि वो गलतियां आप लोग मत करिएगा। राउंड वन की काउंसलिंग में ये गलतियां कुछ बच्चों ने करी भी होंगी, मेक श्योर कि वो सारी गलतियां आप राउंड टू में ना करें, क्योंकि राउंड टू में आपको दोबारा मौका मिलता है सब कुछ शुरू से करने का। मेरे टाइम पे मेरे को इतना आइडिया नहीं था काउंसलिंग का कि लाइक क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, और तो मैंने जो गलती करी थी अपने टाइम पे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों से आप लोग को भी कुछ सीख मिले। कि मेरी जब राउंड वन की काउंसलिंग चल रही थी यूपी की, तो उस टाइम पे मैंने सब कुछ अच्छे से किया था, मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन अच्छे से किया था, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी थी, फिर चॉइस फिलिंग। हाँ, तो फिर चॉइस फिलिंग के टाइम क्या हुआ था, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो हमारे टाइम पे ईमेल्स वगैरह सेंड होते थे और टेक्स्ट मैसेज। तो हुआ क्या था, मेरे जो फ़ोन नंबर मैंने उसमें डाला था अपने डॉक्यूमेंट जब हमारे मांगे गए थे, तो उसमें फ़ोन नंबर भी मांगा था, तो उस टाइम पे जब मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया था, उस फ़ोन नंबर पे मेरा रिचार्ज नहीं था, तो इस वजह से मेरे को टेक्स्ट मैसेज रिसीव नहीं हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ईमेल में मैसेज आएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं दोनों ही जगह पर नहीं देख पाई थी, और फिर जब मुझे पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो मैंने नोडल सेंटर सिलेक्ट किया था अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो वहाँ पे जब मैं नोडल सेंटर में पहुँची, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि आपका टाइम मतलब ख़त्म हो चुका है, अब आप मतलब जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि लाइक चॉइस फिलिंग, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई नहीं होंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। जब मेरी चॉइस फिलिंग थी, तब उस टाइम पे मेरे को चॉइस फिलिंग नहीं करने दी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद कुछ नेटवर्क इशू या फिर कुछ साइट में ही प्रॉब्लम है, तब उस टाइम पे मेरे को पता चला था कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। ये दो चीज़ों की वजह से, जो कि मेरी खुद की लापरवाही थी कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, प्लस मैंने ईमेल देखा नहीं था, तो ये सब गलतियां आप लोगों ने भी करी होंगी। मेक श्योर कि आप लोग सेकेंड राउंड में ना करें ऐसी गलतियां। एंड जब मैं नोडल सेंटर गई थी, तब उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि सेकेंड राउंड में आप फिर से कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ था, एंड मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने नहीं डाले थे, उसमें से जो एक दो मेरे डॉक्यूमेंट थे वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन से तब अपलोड किए थे। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डालिएगा। तो उस टाइम पे लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैं फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, एंड मतलब क्योंकि राउंड वन में ही चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस मिलने के, उस टाइम पे सीट्स काफ़ी वैकेंट होती है। लेकिन फिर जब नोडल सेंटर में उन्होंने ऐसा बोला कि सेकेंड राउंड में आप फिर से कर सकते हो, तो सेकेंड राउंड जब आया तो मैंने फिर से किया। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो मुझे सीट नहीं मिली, क्योंकि सेकेंड राउंड में लोग फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी वजह से
एड ऑन होते जाते हैं बाकी भी, तो सीट्स मतलब फुल हो चुकी थी। उसके बाद मेरा मतलब मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, तो उस टाइम पे मैं लाइक एकदम से मैंने सारे होप्स लूज कर दिए थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा हो गया था कि यार मुझे शायद एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम पे मेरे पास लास्ट चांस था मॉप अप राउंड का, जो कि उसमें बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर चांसेस होते कि आपको कॉलेज मिले। तो मेरे टाइम पे ये हुआ था कि मैंने तो सारे होप्स ही हार दिए थे अपने कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा अब मॉप अप राउंड में, पर गॉड नोज मैं लाइक लकी थी कि मुझे लाइक KGMC मिल गया मॉप अप राउंड में। और मतलब ऐसा था कि मैंने अपना मॉप अप राउंड का रिजल्ट खुद भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं मिलेगा मेरे को कॉलेज। तो मेरे एक कज़न है, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा था, क्योंकि जब मॉप अप राउंड का मेरा रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैं सो रही थी। तो फिर जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और फिर उन्होंने जब मुझे बताया ना कि तुम्हें KGMC मिला है, तो उस टाइम पे फीलिंग मेरी मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि वो फीलिंग क्या थी उस टाइम पे। एंड नीट के दौरान मेरा कुछ गुड फेजेस भी रहे हैं, कुछ बैड फेजेस भी रहे। गुड फेजेस ये था कि मुझे लास्ट राउंड में मैंने जब अपनी सारी होप्स लूज कर दी थी, तो उसके बाद मुझे लास्ट राउंड में KGMC मिला, तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि उससे पहले मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि एक और साल तैयारी कर लो। एंड बैड फेज ये था कि मेरे जब फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट ऐसे वेरीफाई नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं था काउंसलिंग वगैरह का। तो यार यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा। तो या चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या क्या हो सकती है। मेरे कॉलेज की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी जनरल के लिए 693 मार्क्स एंड OBC के लिए 690 मार्क्स एंड SC के लिए 640 मार्क्स एंड ST के लिए 598 मार्क्स। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड राउंड में हमारी जो कट ऑफ होती है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। लाइक जैसे जनरल की 693 मार्क्स है, तो उतने मार्क्स एड ऑन हो जाते हैं। जैसे जनरल में 693 है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में यही एड ऑन होके 20 से 30 मार्क्स यही राउंड टू की कट ऑफ रहेगी। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, 20 से 30 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। एंड आर नेक्स्ट स्टेप इज की कॉलेज प्रेफरेंस। चॉइस फिलिंग के टाइम पे प्रेफरेंस आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप किस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो मतलब किसी किसी को ऐसा होता है ना कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे आइडिया नहीं आता कि कौन सा कॉलेज पहले रखे, कौन सा कॉलेज बाद में रखे, लाइक सीक्वेंस उसके। तो मैं आप लोग को हेल्प करूंगी कि आप कैसे, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपका रहना चाहिए KGMC, जो कि मेरा कॉलेज है। एंड सेकेंड नंबर पे जो कि लखनऊ में ही है, RML। एंड थर्ड नंबर पे GSVM। फोर्थ नंबर पे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। एंड फिफ्थ नंबर पे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। एंड सिक्स नंबर पे लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ। एंड सेवेंथ नंबर पर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। एंड एट्थ नंबर पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। एंड नाइन्थ नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज। एंड टेंथ नंबर पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। एंड इलेवेंथ नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। एंड ट्वेल्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। एंड 13 नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलौन। सो ये तो थी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। बाकी इसके बाद है हमारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस। वो आप मतलब अपने घर से जितना आपका कॉलेज का डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। जो जो कॉलेज आपके घर से पास हो उसको उसके बाद डालिएगा। पर जो मैंने आपको अभी सीक्वेंस बताया ना 1 to 13 का, वो एज इट इज फॉलो करिएगा। एंड उसके बाद 13 के बाद सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस अपने घर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपका घर से आपका कॉलेज कितनी दूर है। जो ज्यादा पास होगा उसको सबसे ऊपर रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि अलॉटमेंट के बाद जब हमें सीट मिलती है, कॉलेज हमें मिलता है, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो हम जिन हमारा रिजल्ट आता है उस दिन अलॉटमेंट लेटर भी आता है और पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अलॉटमेंट लेटर हमको उस टाइम पे डाउनलोड करना पड़ता है और फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के वक्त, वो मैं आपको बता रही हूँ। सो नंबर 1 है डिमांड ड्राफ्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बैंक से बनता है, एंड सेकेंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप जो कि आपको साइट पर ही मिल जाएगी जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया होगा तो उस पर लिखाया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड नीट 2023 का एडमिट कार्ड, एंड हाई स्कूल की मार्कशीट, नेक्स्ट इंटरमीडिएट की मार्कशीट, एंड टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गैप सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एंड नेक्स्ट आता है आपका यूपी का डोमिसाइल, फिर आता है आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड सर्विस बॉन्ड, जो कि बॉन्ड तो आपको वहीं पर साइन वाइन करना पड़ेगा, 8 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज, एंड रिपोर्टिंग टाइम जो कॉलेज की होती है वो मॉर्निंग में 10 बजे के बाद होती है, एंड वो शाम तक ये प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं तो सुबह से शाम ही हो जाती है। अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए ले जाना सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के वक्त, या क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।